गणपत भैया, पिछली बार आपने ये पोयम सुनाकर मेडल जीता था, इस बार भी इसी बुक में से कोई पोयम सुना दो, फिर जीत जाओगे। नहीं, मैं असल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। क्यों? मेरी मर्जी। मैं सचिन को बुला के लाती हूँ। ये तो कमाल हो गया। अरे मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि क्लाइंट को हमारे डिजाइन्स इतने पसंद आएंगे कि हमें डबल ऑर्डर दे देगा। ऐसा ही होता है, जब चीजें होने पे होती है। हाँ, वैसे ही होता है बिना उम्मीद के एक्चुअली। लेकिन भैया, इतना बड़ा ऑर्डर हम पूरा कर पाएंगे? बेशक, थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। धीरज, इस ऑर्डर के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुमने लास्ट मोमेंट पे वो डिजाइनर सजेस्ट नहीं किया होता तो। अच्छा, वो डिजाइनर का नाम क्या है? आन आन वो ऊ ऊ अनु अनु क्या है वो? एक्चुअली उसका नाम अनिंदिता है, हम लोग दोस्ती में उसे अनु अनु बुलाते हैं। जो भी हो यार, अनु या ओ, लेकिन कमाल की बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर है। हमें आनंदिता जी की मेहनत का पूरा मेहनताना उन्हें देना होगा। क्यों क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, देना ही चाहिए। मैं आप फिक्र मत कीजिए भैया, मैं सब संभाल लूंगा। चलो चलते हैं। चलिए, आयुष बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी तुमने। मेरा मतलब है बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ पूरे तो भाव ही बता दिया था। क्या थी वो लाइन? माँ हंसते तो हंसते बच्चे, सारे तेरे बोल भी सच्चे, है ना? बहुत अच्छी लाइन्स थी आयुष। पता है। अच्छा, तुम कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो? तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? 4 बज गए, ट्यूशन खत्म। हाँ लेकिन आयुष, इतनी सी बात है और इतनी इतनी बातें मिलकर ही बड़ी हो जाती हैं आंचल जी। अगर ट्यूशन का टाइम खत्म हो गया हो तो जाने दीजिए ना बेचारे को। जा बेटा जा। मैं आपसे ये पूछने आई थी आंचल जी कि बच्चों को पढ़ाने के अलावा आप और क्या क्या काम करेंगे? सवाल का जवाब दिए बिना आप कैसे जा सकती हैं? जब मैं आपका सवाल ही नहीं समझी तो मैं जवाब क्या दूंगी?
अगर आप कविता की बात कर रही हैं तो सॉरी, मुझ में वो टैलेंट नहीं है। लोगों को आकर्षित करने का टैलेंट तो है आप में। लोगों को आप अपने वश में इतना कर लेती हैं कि सामने वाला अपनों से ही झूठ बोलने लगता है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? शायद आपका यही भोलापन आपका सबसे बड़ा हथियार है, है ना? आप सच कुछ नहीं जानती मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मम्मा मम्मा देखो, बड़े पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। सबके लिए गिफ्ट लाए और आपके लिए भी आए ले। चलो ना दिखाता हूँ। तुम चलो विक्की बेटा, मैं आती हूँ। चलो ना मम्मा प्लीज चलो ना। और पापा ये आपके लिए। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप सब लोग मुझे ये बताइए, इतने सारे गिफ्ट किस लिए? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए पापा, यू टेक अ गेस। नहीं बता सके ना? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। भैया ने बड़े दिनों से उस ऑर्डर का इंतजार किया था ना, वो ऑर्डर हमें मिल गया है। बहुत बहुत बधाई हो सिद्धार्थ बेटे। आपको भी बधाई हो पापा, बल्कि हम सबको। मुझे भी। तुम्हें तो सबसे पहले ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। जो ही बेटा, ये आपके लिए। थैंक यू पापा। रईस बेटा, ये आपके लिए। थैंक्स। चंचल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। ये रहा चंचल, ये तुम्हारे लिए। अगर पसंद आया तो उसके जिम्मेदार धीरज है, ये धीरज की चॉइस। अरे भाई, पसंद मेरी है लेकिन पैसे भैया ने दिए हैं। और हाँ, मैंने अपने लिए ये टी शर्ट लिया है। पापा, मैं ये खोलूं? नहीं बेटा, अभी नहीं। अरे आचल जी सुनिए तो, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले आया हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपके लिए क्या गिफ्ट करूँ। नहीं, मुझे गिफ्ट की क्या जरूरत है? गिफ्ट जरूरत से लिया जाता है क्या? मेरे अब भी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या गिफ्ट करूँ। ये नई पेन है, ये आपको पसंद आ जाएगी। नहीं प्लीज, मुझे तो। ले लो बेटी, सिद्धार्थ पूरे परिवार के लिए गिफ्ट्स लाया है और तुम भी तो इस परिवार के सदस्य हो।